अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और वहाँ पे मिस्टर ए बी सी इंजर्ड हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा ए बी सी का जो इमीजिएट बॉस है सुपरवाइजर है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा पहले पॉइंट का डी स्टूडेंट्स ये मतलब है सेकंड पॉइंट में इस चीज़ को इंश्योर करना है इन अदर्स अ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल परफॉर्म द जॉब जो सेकेंड लेवल है वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आपने रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यहाँ पे पहली स्लाइड में दो चीज़ें हमारे सामने आई इन द केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इंजर्ड इन केस ऑफ एनी इंजरी द परपज हु हैज इंजर्ड हिज इमीजिएट बॉस हर इमीजिएट बॉस विल कंडक्ट रिसर्च रिगार्डिंग पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन एंड द सेकेंड दैट इफ़ द इमीजिएट बॉस सुपरवाइजर इज नॉट अवेलेबल दैन डेफिनेटली द पीपल द प्रोफेशनल हु बिलोंग्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी दे विल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन Here we have to see who should investigate further in the following points. Factor considering is decided how to approach accident investigations include number one, size of the company. Number two, structure of the company's safety and health program. Number three, types of accidents. Number four, seriousness of accidents. These four point, dear students, I have just इनका ताल्लक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ है और वो ये है फैक्टर्स इन डिसाइडिंग हाउ टू अप्रोच एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कि जब भी आपने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर्टिकुलर एक्सीडेंट के हवाले से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है उसमें इन चीजों को सामने रखना बहुत लाजम है पहला पॉइंट जो था वो था साइज ऑफ साइज ऑफ कंपनी का मतलब है हाउ मैनी इंप्लाईज आर वर्किंग इन दर्गनाइजेशन

इसको हम लोग फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट किस किस्म का है नेचर उसकी क्या इंजरी हुई है बहुत सवियर इंजरी है माइनर है या मैक्सिमम है सीरियसनेस ऑफ एक्सीडेंट कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो गया ऑर्गेनाइजेशन का कहीं हेल्थ का लॉस तो नहीं हो गया इन दोनों चीजों को हम सीरियसनेस ऑफ एक्सीडेंट बोलते हैं नंबर फिफ्थ पॉइंट टेक्निकल कंप्लेक्सिटी उसमें टेक्निकल कंप्लेक्सिटी की कितनी है कहीं वो केमिकल बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व तो नहीं थे एक्सीडेंट्स के अंदर देन यू हैव टू गेट फ्रॉम केमिकल इंजीनियर्स वो लोग जो केमिकल की कंपोजिशन को समझते हैं एनालाइज करते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं उस हवाले से सिक्स पॉइंट नंबर ऑफ टाइम्स दैट सिमिलर एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड ऑलरेडी इन ऑर्गेनाइजेशन कि वो जो एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हुआ रिसेंटली क्या उस किस्म के एक्सीडेंट या सेम उस तरह का एक्सीडेंट पहले भी हो चुका है अगर पहले भी हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट क्या थी क्या उस रिपोर्ट के मुताबिक सोलूशन दिया गया था और प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिए गए थे या नहीं लिए गए थे सेवन पॉइंट्स कंपनीज मैनेजमेंट फिलासफी फ़िलासफी का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिल मिला है फिलो और सोफ़ी फिलो कहते हैं लव को सोफ़ी कहते हैं विजडम को फिलासफी कहते हैं लव ऑफ विजडम उर्दू में इसे कहते हैं अक्लमंदी के साथ मोहब्बत इसको फिलासफी कहते हैं अब जो क्वेश्चन है वो ये है कंपनीज़ मैनेजमेंट फिलासफ़ी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है जिसमें मैनेजर हैं जनरल मैनेजर्स हैं डिप्टी मैनेजर्स हैं असिस्टेंट मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है जो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उन लोगों की क्या फ़िलासफ़ी है क्या वो विजडम ओरिएंटेड लोग हैं या विजडम ओरिएंटेड लोग नहीं हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की रूट काजी तलाश करना चाहते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ किसने किया क्यों किया अगर इन क्वेश्चन के आंसर तलाश कर लिए जाए तो शायद दोबारा वो एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंकर्ड ना हो कंपनीज कमिटमेंट टू सेफ्टी एंड हेल्थ। वो कंपनी किस हद तक लायल है कमिटमेंट का मतलब ही स्टूडेंट्स ये होता सम टोटल ऑफ ऑल द लॉयलिटीज विच इंडिविजुअल इट इज नोन एज इंडिविजुअल कमिटमेंट जब इंडिविजुअल कमिटमेंट होगी इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी होगी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का ये मतलब है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो किस हद तक लायल हैं ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ और सेफ्टी के इश्यूज़ को लेके अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की सिग्निफिकेंस को सामने नहीं रखते तो चांसेस हैं कि उस किस्म के एक्सीडेंट्स दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में होंगे कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन व्हेन एनी पर्सन हु इज द सुपरवाइजर और बिलोंग्स टू द हेल्थ प्रोफेशनल्स is going to conduct the investigation then what he will do number 1 you may have a crime scene jahan pe wo event hua us jagah ko crime scene kehte hain that was sealed off by the police aapne aksar dekha hai ki police department wale jab kisi jagah pe crime hota hai to us scene ko mukammal sides से किसी tape के साथ या किसी भी फीता के साथ या किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ उसको cover कर लेते हैं ताकि वहाँ पर लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाए ताकि मुकम्मल जो शवाहद हैं उनको इकट्ठा किया जा सके मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन को फ्रीली परफॉर्म किया जा सके द एंट्रायर एरिया साउंडिंग सच ऐ सीन इज टिपिकली ब्लॉक ऑफ बाई बेरियर्स और हैवी येलो टेप यह आपने अक्सर देखा है ड्रामाज में फिल्म में अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब किसी जगह पर कोई इवेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर उस चीज़ को अनशोल किया जाता है कि उस जो क्राइम सीन है उसकी साउंडिंग को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया जाए या मुकम्मल ब्लॉक कर दिया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन आसानी से की जा सकती है एक और इसका परपज है दिस इज डन टू कीप क्यूरियस अनलॉकर फ्रॉम रिमूविंग डिस्टर्बिंग और अनुइंगली डिस्ट्रॉइंग वाइटल एविडेंस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है कहीं वो मिस ना हो जाए खो ना जाए लूज ना हो जाए इस चीज को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ परमानेंट रेकेड फॉर ऑल पर्टिनेंट एविडेंस एज क्विकली एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो वो जो रिकॉर्ड है उसको मुकम्मल प्रपेयर करें जहाँ से मैक्सिमम मालूम हासिल की जा सके इन अ गुड रूल ऑफ थम इज इफ इन डाउट रिकॉर्ड वो चीज़ जो आपको डाउट में डालती है उसको लाजमी रिकॉर्ड करें वहाँ से ही आप हकीकत की तरह मूव कर सकते हैं अब यहाँ पर अगर देखा जाए डर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इंटरव्यू विटनेसेस दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को इंशोर करना है कि जो भी हमारे इंटरव्यू देने वाले लोग हैं जो विटनेसेस हैं उनको हम लोगों ने देखना है कि क्या वो शवाहद के मतलब मालूम रखते हैं या नहीं आइडेंटिफाई विटनेसेस विटनेसेस को आइडेंटिफाई करना फोटोग्राफ और वीडियो टेप ऑफ दीन मुकम्मल शवाहद को इकट्ठा करना रेकड आल एविडेंस वो जितने भी एविडेंस हैं शवाहद की शक्ल में आपको मिल रहे हैं या जैसे भी मिल रहे हैं उनको एक जगह पे कंपाइल करना आइसोलेट द एक्सीडेंट साइट जो एक्सीडेंट साइट है उसको सीन क्राइम के हवाले से जो क्राइम सीन है उस हवाले से जानते हुए उसको मुकम्मल आइसोलेट कर दें ताकि किसी शख्स की एक्सेस वहाँ पर ना हो कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन द एडवेंट ऑफ द डिजिटल कैमरा हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू मीनिंग फॉर द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंट फोटोग्राफ्स डिजिटल कैमरा से पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अप टू डेट नहीं थी इतनी रैपिड नहीं थी इतनी एकोरेट नहीं थी इतनी स्पेसिफिक नहीं थी इतनी डिजिटलाइज नहीं थी पोर्टेबल नहीं थी लेकिन ये तमाम करेक्ट्रिस्टिक्स आपको मालूम है डी स्टूडेंट्स इस वक्त अगर देखा जाए तो ये डिजिटल कैमरा की वजह से पॉसिबल है यहाँ पर चीज़ को देखा गया है कि क्राइम सीन के ऊपर ईजीली डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं और जो फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं वहाँ पे इस चीज़ को देखा गया है उनको आसानी से कंप्यूटर के साथ अटैच करके वहाँ कॉपी किया जा सकता है प्रिंट लिए जा सकते हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकता है यहाँ पे इस चीज़ को देखा यह गया है कि यूजिंग अ डिजिटल कैमरा इन कंजंक्शन विद आ कंप्यूटर फोटोग्राफ ऑफ एक्सीडेंट सीन कैन बी व्यूड ईजीली इमिजिएटली पर्टिकुलर एंड ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली टू न्यूमरस डिफरेंट लोकेशन एक जगह से किसी भी फॉरन कंट्रीज में आप आसानी से उस चीज़ को मूव कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं इन आइडेंटिफाइंग विटनेसेस, जब आपने विटनेसेस को आइडेंटिफाई करना है जो कि सेकंड पॉइंट था हमारा इट इज इंपॉर्टेंट टू कंपाइल अ विटनेस लिस्ट जो भी विटनेस के लोग हैं जिनसे आपने शहाद लेने हैं जो गुवाही देने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करें एक बंदा है दो हैं पाँच हैं दस हैं नेम ऑफ़ द लिस्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन थ्री कैटेगरीज अब तीन कैटेगरीज इसमें होंगी पहली प्राइमरी कैटेगरीज सेकेंडरी कैटेगरीज एंड ट्रेटरी विटनेस कैटेगरीज अब तीनों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जो पहला पॉइंट है इसको हम देखते हैं प्राइमरी विटनेस सेकेंडरी विटनेस प्राइमरी विटनेस में वो लोग शामिल हैं जो कि उस जगह पे मौजूद थे एक्चुअली जिनके साथ ये इवेंट हुआ सेकेंडरी विटनेस जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखते हैं जो कि सुपरवाइजर थे थोड़े से अवे थे और थर्ड लेवल पर ट्रायटरी विटनेस जो ओवरऑल सुपरविजन कर रहे थे जिन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची अब इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है एवरी विटनेस ऑन द लिस्ट शुड बी इंटरव्यूड हर विटनेस को चाहे वो प्राइमरी विटनेस है सेकेंडरी विटनेस है या ट्राइबरी विटनेस है इन तीनों का इंटरव्यू करना लाजम है इंटरव्यूइंग विटनेस यहाँ पे हम चीज़ों ने हम लोगों ने डी स्टूडेंट्स ये देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन शॉट वैन इंटरव्यूइंग एक्सीडेंट विटनेसेस हैं यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन रेज हुआ था हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एंड हाउ दैट एक्सीडेंट बीन टेकन इनटू प्लेस है टेक्निक यूज फॉर इंटरव्यूइंग एक्सीडेंट विटनेसेस आर डिजाइन टू एनश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज ऑब्जेक्टिव एक्ट अनटेड बाई द पर्सनल ओपिनियन एंड फीलिंग्स ऑफ विटनेसेज एज पॉसिबल एंड एबल टू करोबरेट अब यहाँ पर जिस चीज को बयान किया गया है वो ये है कि फीलिंग्स इमोशंस अपने इंडिविजअल थाट्स को हम लोग रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनने देंगे फॉर दिस रीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेन वेयर एंड हाउ आफ इंटरव्यूइंग द एक्सीडेंट विटनेस ऐसा ना हो कि एनवायरमेंट का इफेक्ट हो क्लाइंट्स के ऊपर एनवायरमेंट का इफेक्ट हो विटनेस के ऊपर या आपकी पर्सनैलिटी इस किस्म की है जो विटनेस को इफेक्ट कर सके इस चीज का आपने ख्याल रखना है